मैं उस जगह पे आ गया हूँ, एकमात्र उस जगह के दर्शन करने से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। मैं आया हूँ भाई तोरण द्वार, हरे के सारे की जय। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई सारे ने, जय श्री श्याम। तो भाई सुबह हो चुकी है और मैं नहा धोके हो चुका हूँ भाई रेडी, और मैं जैसे कि निशान भवन में रुका था, तो यहाँ से भाई अब धरती से स्वर्ग की यात्रा बोला जाता भाई रिंगस से खाटू श्याम जी, और यहाँ से निशान लेके मतलब कहीं से भी निशान लो आप, और फिर ये पगड़ी भी बंधवाएंगे भाई, क्योंकि बाबा पगड़ी पहनते हैं तो हम भी पगड़ी पहनेंगे और फिर पाई पूजा करके और चलते हैं फिर अपनी स्वर्ग की यात्रा में शामिल होते हैं। बाबा के प्रेमी भाई पूरी रात से ही लगातार देखो जैसे उन्होंने पूजा कर ली तो वो जा रहे हैं। भाई हमने अपना निशान ले लिया है और पूजा की थाली यहाँ पे भाई निःशुल्क है, तो आप पूजा की थाली ज़रूर ले लें निशान भवन से, और फिर यहाँ पे थाली चढ़ा के फिर पूजा होती है जो कि ये मंदिर की तरफ से ही निःशुल्क है। लगातार भाई अपना निशान बाबा को चरणों में स्पर्श करके और अपना निकल रहे हैं स्वर्ग के लिए। मैंने भी भाई पूजा की थाली ले ली अपनी। टाइम हो रहा है भाई 6:30 का और हमने निशान यात्रा अपनी स्टार्ट कर दी है, पगड़ी बंधवा लिया है जो कि श्याम बाबा भी पहनते हैं, तो हम उनके भाई छोटे से भगत है तो हम भी पहनेंगे। 1 किलोमीटर चले होंगे लगभग, और आप ये देखो श्रद्धालुओं की भक्ति, अपना खुद का डीजे लाए हैं, जैसे कावड़ में नहीं होता वैसे अपना डीजे लाए, और ये राजस्थान का फेमस डीजे, ऐसे होते हैं मतलब राजस्थान में डीजे। देखो यार मन्नत मांगनी और बाबा से प्यार देखो श्रद्धालुओं का, मतलब रिंगस से ऐसे जाएंगे यार, बाबा इनकी मनोकामना जरूर पूरी करना। भाई जो अंकल और आंटी हैं, मैं हरियाणा से हूँ भैया, तो मैं सोनीपत से, तो आप उनके साथ हो भैया? अच्छा, वो मतलब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो मतलब मनोकामना मांगे या वैसे ही? नहीं वैसे बाबा, बाबा से प्यार। वैसे प्यार। तो कब चले थे आप? हम 4 बजे चले थे सुबह। सुबह और कब तक पहुँचोगे? हम संडे तक पहुँचेंगे, मतलब 200 तक, 3 दिन। 3 दिन और लगातार ऐसे ही जाओगे, रुकोगे रात को? नहीं रुकेंगे। अच्छा, अभी दोपहर में रुक जाएंगे, फिर होटल में नहा धोके फिर वापस आ जाएंगे, यहीं से चालू कर देंगे। अच्छा। फिर रात को चलेंगे, फिर रात को 2-3 घंटे आराम कर लेंगे, फिर सुबह यही रोटेशन। तो भाई मतलब ये क्या जॉब वॉब करते हैं, बिजनेस है? नहीं है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है राजस्थान सरकार में। अच्छा, गजेटेड ऑफिसर है। तो भाई बाबा का, बाबा से प्यार देखो सबको भाई, कोई पैदल जाता है कोई ऐसे लेट के जाता है, मतलब बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे भैया। बाबा नाम की मस्ती, जय हो। और भाई फाइनली ब्रेक ले लिया है मैंने, और वो लिया है 7 किलोमीटर, मतलब यहाँ से रह गए खाटू श्याम जी 10 किलोमीटर, मेरे को लगा है कम से कम 8.5-8.6-7-8 करीबन 1.5 घंटा चला हूँ मैं, 1.5 घंटे में 7 किलोमीटर गया, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भाई अब पैदल यात्रा करते टाइम रास्ते में देखोगे महेंद्र नारा के नाम से दुकान है, तो भाई यहाँ पे आपको 10 वाली बोतल 5 की और 50 वाली मैगी 30 की, मतलब सस्ते, सबसे सस्ती और अच्छी चीज़ मिल रही है। भाई वहाँ तो चले गए, और अब खाटू श्याम जी मंदिर 6-7 किलोमीटर रह रहे हैं, और पैरा की हालत देखो, नंगे पैर चला था वहाँ पे, पैरा की हालत देखो आप, देखो फट रहा बिल्कुल, ऐसे ये चप्पल निकाल दी थी हरमन ने बेवकूफ़ी में देख देख के, लेकिन अब वापिस चप्पल डालूँगा भाई, पैर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कब्रिस्तान वाले आ गए। देखो भाई बुजुर्ग अम्मा है बिल्कुल, वो भी कितनी कठोर तपस्या कर रही है, श्याम नाम कृष्णदा। यात्रा करते टाइम दिखा है डायमंड वाटर पार्क खाटू श्याम जी, मतलब यार तगड़ा वाटर पार्क लग रहा है भाई साहब, एक नंबर, पानी की लहरें देखो भाई इसमें। टाइम नहीं यार वरना जाता, मेरा मन कर गया, क्योंकि भाई एक तो गर्मी इतनी है और ऊपर से पैदल चल रहे हैं तो मन करता है, बाकी अच्छा लग रहा है भाई बहुत। अगर आपको टाइम लगे तो आप भी आ सकते हो यहाँ। फाइनली भाई उस पावन धाम के अंदर एंटर होने जा रहा हूँ मैं, जो कि कलयुग का देव है, स्वर्ग में यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो जाता है,
जय श्री श्याम। खाटू धाम में भाई हम एंटर हो चुके हैं। पार्किंग आ गई भाई, और देखो जाम लग गया क्योंकि वो सामने दिख रहा है तिरंगा, वहीं है बाबा का गेट मतलब तोरण द्वार। और देखो कितनी दूर पहले पार्किंग है, मतलब ये लगा लो झंडा करीबन होगा यहाँ से 1 किलोमीटर शायद मेरे हिसाब से, और फिर वहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मंदिर है। मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ इतना चल के और बाबा के दर्शन करने के लिए, एकमात्र उस जगह के दर्शन करने से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। मैं आया हूँ भाई तोरण द्वार। हारे के सारे की जय। अलग खुशी है भाई, मतलब अब मेरे खुशी के आंसू भी गिर जाए ना तो मेरे को कोई अफसोस नहीं, बस एक नंबर फीलिंग है। जितनी मेहनत मतलब चल के आए, बाबा ने जितना साथ दिया है, स्वर्ग की यात्रा की, ये स्वर्ग का गेट है और जो स्वर्ग में भगवान है वो आपको मिलेंगे अंदर। ये आ गए भाई हम खाटू बाबा की गलियों में, खाटू श्याम जी के रास्ते में, और देख सकते हो आप अंदर घुसते ही रहने के लिए धर्मशालाएं और मिठाइयां। तो भाई साहब देख के ही मन कर रहा है खाने का क्योंकि भूख लगी है यार। अच्छे से नहीं खाया ना कुछ, मैगी कॉफ़ी यही पिए बस, और पेड़ा खाने का तो मेरा इतना मन कर रहा है, बस बाबा के दर्शन करके ही खाएंगे अब तो। तो भाई टाइम हो रहा है 2:30 का और मैं बिल्कुल भाई मंदिर पहुंचने वाला हूं। और भाई अगर आप पैदल यात्रा ना करके अगर गाड़ी से आना चाहते हो तो भाई मात्र 50 रुपये वो है, मतलब बलेरो स्कॉर्पियो क्रूज़र ये चलती है यहाँ, जीप भी, तो उसमें भी आप आ सकते हो डायरेक्ट। और हम जैसे पैदल यात्रा करके आए तो पैदल भी आ सकते हो। और भाई मेरी मानो तो भाई नंगे पैर मत आना भाई साहब, बुरा हाल हो जाता है यार। मेरे पैरों में ना छाले गिर गए हैं क्योंकि मैं थोड़ी देर नंगे पैर चला था, गर्मी इतनी एक तो, और आप आओ तो भाई ठंडे के महीने में आओ जब हल्की हल्की ठंड हो, बिल्कुल गर्मी में मत आओ, भयंकर गर्मी है यार। तो भाई फिर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे हम, बाबा का शाम के दर्शन करेंगे श्याम कुंड के, और फिर कितने ही परेशान हुए भाई, बाबा ने बहुत अच्छा साथ दिया, सभी भक्तों का साथ दिया, और ऐसे भी बाबा आगे साथ देते रहेंगे। और ये भाई नया रास्ता ये जिसका अभी निर्माण हुआ था, काम अभी भी चल ही रहा है। तो आपको भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के भाई आप इस वीडियो को प्यार दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री श्याम लिख देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो फिर मैं आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम, हरे के सारे की जय।